तो इस लेक्चर में मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर ये स्टडी करना है। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज़ किस तरीके का है। तो मैग्नीफिकेशन दो तरीके के मैग्नीफिकेशन हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। इसमें मैग्नीफिकेशन वन इज़ ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो इसे ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस तरीके के डायमेंशंस के लिए जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये उस तरीके के डायमेंशंस के लिए जो कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ले रहा हूँ, और यही इन दोनों में जो होता है मेन मैग्नीफिकेशन होता है या फिर इम्पॉर्टेंट मैग्नीफिकेशन। ये रेयर केसेस में ही पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ज़्यादातर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के ही फॉर्मूले काम में आते हैं। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले लेक्चर में मैंने हाइट का मतलब बताया था। हाइट का मतलब है कि ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट टाइप का है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पर ये मिरर है तो ये जो डायग्राम होता है, डायग्राम क्योंकि 2D डायग्राम है तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई बॉडी इस तरीके से भी ऐसे रखी हो सकती है, कोई ऐसे भी रखा हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इट कैन बी केप्ट लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर है, और ये अगर ऐसे रखा हो तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इस तरीके से रखा है तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये सभी परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं, तो जो ही परपेंडिकुलर डायमेंशंस हैं वो उनके लिए यहाँ पर ये फार्मूले वैलिड होंगे। तो हाइट का मतलब होता है कि ऐसे डायमेंशन या ऐसा कोऑर्डिनेट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। इस फॉर्मूले को वी और यू के टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक बार इसका, इसके साथ ही मैं डेरिवेशन भी करते चला जाता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ कहीं पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं इस पॉइंट की इमेज ऑप्टेन करने के लिए एक रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रे डायग्राम में कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ से जो रे है ये रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, इसके पोल पे आ रही है, और पोल पे आने के बाद में हमको पता है कि ये सिमेट्रिकली यहाँ से चली जाती है। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर थीटा एंगल पे ही वापस चली जाती है इधर। ये जो भी इस पॉइंट की इमेज मिलेगी वो इस रिफ्लेक्टेड रे पे कहीं ना कहीं मिलेगी। तो सपोज़ यहाँ कहीं पर ये इमेज मिल रही है, ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज, और इस डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और ये एंगल इक्वल है थीटा, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल, और इस सिमिलर ट्रायंगल में ये रेशियो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू वी, और यहाँ पर ये हो जाएगा यू। ये तो जस्ट मैंने वैल्यू वाइज यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जैसे हमें हमेशा वी और यू को साइन के साथ पुट करना चाहिए। तो अगर मैं एक साइन कन्वेंशन इनके साथ में अटैच कर दूँ, तो साइन कन्वेंशन अटैच करने के बाद में हमारे पास में जनरल केसेस के लिए भी फार्मूले आ जाएंगे। तो जनरल कोई भी केस हो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला कुछ इस तरीके से फिर बनाया जा सकता है। तो हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ये जो डायमेंशन है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इसको नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, और क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है, कोई भी यहाँ पे जो डायमेंशन है वो पोल से मेजर की जाती है, डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो जब यू को आप मेजर करेंगे तो पोल से इस पॉइंट की तरफ ऐसे आना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि यू यहाँ पर नेगेटिव है। इसी तरीके से जो वी है वो वी भी यहाँ पर नेगेटिव है। तो हाइट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट एक तरीके से पॉजिटिव यहाँ पर,
वी यहाँ पे नेगेटिव और यू भी यहाँ पे नेगेटिव, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं हम। ये हमारा यहाँ पर एम के इक्वल है, और यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये फार्मूला फाइनली आ जाएगा माइनस वी बाई यू। तो इस तरीके से इस फार्मूले को हमें याद रखना होगा, और इस फार्मूले में हमेशा ध्यान रखेंगे कि वी और यू जो भी पुट किए जाएंगे वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट किए जाएंगे, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी पुट किए जाएंगे वो प्रॉपर साइन के साथ यहाँ पर पुट किए जाएंगे। अब यहाँ से जो आंसर्स आते हैं वो आंसर्स या तो नेगेटिव आएंगे या फिर पॉजिटिव आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एम का आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अगर एम नेगेटिव आता है तो एम नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक अगर ऊपर की तरफ है तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होगा, तो इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड है। अगर एम नेगेटिव है दैट मीन्स इमेज इज़ इन्वर्टेड, तो एम नेगेटिव होने का मतलब इमेज इन्वर्टेड है। एम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसका मतलब कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही तरफ हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेंस एक जैसा ही है। इसका मतलब है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। जब भी हम इरेक्ट बोलते हैं इसका मतलब है कि वो किसके हिसाब से, यहाँ पर एक तरीके से ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ये हमको पता है कि अगर ये पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है, तो आप देख सकते हो कि दोनों का सेंस एक ही है। अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया होता तो इसकी इमेज फिर इस तरीके से यहाँ पर बन जाती, तो यहाँ पर दोनों का सेंस अगर एक ही है तो उस केस में भी यहाँ पर इसको इरेक्ट बोला जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो इमेज है वो ऐसे नीचे बन रहा है तो वो इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड या इरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। तो एम अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब इमेज इज़ इरेक्ट। अब इसके बाद अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एम अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है इसका मतलब है कि इमेज के जो हाइट है वो मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा है, तो फिर बोलते हैं कि इमेज इज इनलार्ज्ड। और अगर यही 1 से कम हो, इफ़ इट इज़ लेस देन 1, तो उस केस में बोला जाता है कि इमेज इज डिमनिस्ड, इमेज का साइज जो है वो छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूलेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर ए कॉन्केव और ए कॉन्वेक्स मिरर, दोनों तरह के मैंने मिरर ले लिए हैं इसमें, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 मिलीमीटर। वी हैव टू फाइंड पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर बोथ। तो पोजिशन और नेचर का मतलब यहाँ पर यह है कि इमेज किस तरीके की बनेगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, क्या होगा, ये हमें यहाँ पर इसमें दिखाना है। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉनकेव मिरर। अगर आर ओ सी 20 है तो फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो कैलकुलेट करने के पहले भी हमें वैसे एक आइडिया होना चाहिए कि इमेज आखिर बनेगी कहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका फोकस वाला पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें ये जो भी टेबल मैंने दिखाई थी उससे हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जब भी सी और एफ के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो बनती है वो सी के बियॉन्ड यहाँ पर बन जाती है। तो जो आंसर आना चाहिए इसका मतलब वो सी का डिस्टेंस यहाँ से 20 होगा, 20 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। और इन केसेस में जैसे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरीके से अगर रखा हुआ है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है, इन केसेस में जो इमेज बनती है वो बनती है यहाँ पे मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड बनती है। तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड ऐसा आंसर आना चाहिए हमारे पास में, और वही फार्मूले से भी आना चाहिए। तो मैं फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, 1/V प्लस 1/U इज़ इक्वल टू 1/F। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी इज़ इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। तो फटाफट एप्लीकेशन के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू एफ सबको साइन के साथ पुट किया जाए। तो पोल से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इंसिडेंट हो रही होंगी, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन होगा, और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पर पॉजिटिव मान के चलेंगे एक तरीके से, ये एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। तो यू हमारे लिए नेगेटिव होगा, तो यू -15।
इसका फोकस भी इधर की तरफ ही है, तो पोल से फोकस की तरफ जब आप आओगे तो 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो गया, U अगेन -15 और F -10, तो ऊपर 150 हो जाएगा और नीचे -5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -30। अब U का नेगेटिव आना, U यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि पोल से आपको इधर की तरफ मिलेगा ऑब्जेक्ट, इधर की तरफ मिलेगी इमेज, और कितने डिस्टेंस से मिलेगी, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मिलेगी। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जो भी नॉन क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हमको पता है उसको हम साइन के साथ में रखेंगे, इस वी को ऑटोमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिना इसमें कुछ साइन वगैरह पुट किए, तो वी का आंसर अपने आप ही प्लस के साथ आना है तो प्लस के साथ आ जाएगा, माइनस के साथ आना है तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो अननोन क्वांटिटीज़ के साइन वगैरह पहले से हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला हमें आंसर दे देगा, सिर्फ हमें साइन के साथ पुट करना है जो नॉन क्वांटिटीज़ हैं, जो क्वांटिटीज़ हमको पता है सिर्फ उनको ही आप साइन के साथ पुट करो। तो वी माइनस 30 आ गया। अब इसके बाद में, अब इसका नेचर कैसा है, तो हमेशा जो जब भी इस मिरर के सामने जब भी इमेज बनती है तो हमेशा उसका नेचर जो होता है वो रियली होता है, क्योंकि जो कन्वर्जिंग रेज होती हैं उस कन्वर्जिंग रेज के थ्रू यहाँ पर इसकी इमेज मिलती है, और हमेशा आप याद रखो कि जब भी रियल इमेज मिलेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा मिरर के सामने मिलेगी यहाँ पर, तो रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। तो मैग्नीफिकेशन से कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू, और माइनस वी बाई यू आप करोगे तो माइनस माइनस 30 और यू की जगह पे यहाँ पे माइनस 15, तो मैग्नीफिकेशन माइनस 2 आ गया। मैग्नीफिकेशन माइनस 2 आने का मतलब है कि माइनस में आने का मतलब है कि वो इन्वर्टेड है, और 2 आने का मतलब है कि डबली मैग्नीफाइड, यानी कि अगर साइज इसका 2 मिलीमीटर था तो 2 की बजाय यहाँ पर अब 4 हो गया होगा। तो इसको आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस 2, ठीक है, ऊपर की तरफ ही है, तो हाइट ऑफ इमेज माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4 होने का बस माइनस का मतलब इतना ही है कि वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो दिस इज 4। तो नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और उसके साथ साथ इनलार्ज्ड है, साइज इसका बढ़ गया है इसमें। वही कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने बता रखा है कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो उस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा ही वो वर्चुअल बनाता है और कम साइज़ की बनाता है, डिमिनिस्ड बनाता है, तो वैसे ही हमारे फॉर्मूले से भी आना चाहिए। तो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हाइट इसकी 2 मिलीमीटर के बराबर है, और इसका जो फोकस होता है ये पता है कि कोई भी पैरेलल रेज वगैरह आती हैं तो वो इस फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसका फोकस यहाँ पर है। तो यू की जो वैल्यू होगी, ये तो 15 है यहाँ पर इसमें, तो यू की वैल्यू -15 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो यही इंसिडेंस का डायरेक्शन है, इंसिडेंस इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब आएंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे, तो यू अभी भी यहाँ पर इसमें भी नेगेटिव होगा, तो यू -15 रखना होगा। फोकस, फोकल लेंथ, तो पोल और फोकस उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, तो पोल से जब आप फोकस की तरफ जाओगे तो इस डायरेक्शन में चल के जाओगे, और वही डायरेक्शन इंसिडेंस का भी है, तो इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे, और वो कितनी हो जाएगी, +10। तो बस इस अब के बार अंतर इतना आएगा कि यू माइनस जैसे पहले था वैसे ही, लेकिन एफ पॉजिटिव हो गया। अगेन फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, वैल्यूज पुट करोगे, और उससे वी का जो आंसर आएगा, वी का आंसर अब के बार इसके लिए आ रहा है +6। जस्ट पुट कर लेते हैं, -50 × 10 -15 + 10, तो ऊपर -150 आएगा, नीचे -5 आएगा, सॉरी ऊपर -150 है और नीचे यहाँ पर ये -10 -25, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6, और ये प्लस का 6 होगा, तो प्लस का 6 होने का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो यहाँ कहीं बन रही है, इसके पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर ये 6, क्योंकि यहाँ पर वी जो है वो न्यूमेरिकली यू से कम हो गया है, तो वी और यू का जो रेशियो आएगा वो रेशियो यहाँ पर अब के बार <1 आने वाला है। तो मैग्नीफिकेशन आप निकालोगे तो -V/U -6/15, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। हाइट निकालनी है यहाँ पर, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये प्लस के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो +6/15 हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, 2 के इक्वल,
तो इट इज 12/15। और ये आंसर आपके बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि दोनों सेम सेंस में ही बन रहे हैं यहाँ पर। तो इमेज आपके बार जो बनेगी वो यहाँ पर कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, तो वर्चुअल डिमिनिस्ड और इरेक्ट, तो वर्चुअल डिमिनिस्ड और इरेक्ट, और इससे पहले वाले में रियल इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड। तो उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि फॉर ऑब्जेक्ट और डायमेंशन अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ का मतलब यहाँ पर है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज़ यहाँ पर ये एक स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यहाँ पर रखा हुआ है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन सिंपली क्या हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज, वहाँ पे हाइट बोल रहे थे यहाँ पे लेंथ बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये लेंथ वगैरह कैलकुलेट करने के लिए जैसे मुझे अगर ए और बी के बीच में ये लेंथ पता करनी है, तो ए का कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ से यू ए पता होगा, पोल से इसका कोऑर्डिनेट यू ही पता होगा, और दोनों कोऑर्डिनेट्स का अगर डिफरेंस ले लेते हैं, जब भी हम दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने के बाद में उनके बीच का गैप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा इसमें, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, उससे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब सेपरेटली आप ए के लिए इमेज कैलकुलेट कर सकते हो कहाँ पर बनेगी, क्योंकि इसका यू पता होगा, फॉर्मूले से आप वी पता कर सकते हो। इसी तरीके से बी के लिए यू पता होगा, फॉर्मूले से आप वी पता कर सकते हो, तो दोनों की इमेजेस पता किए जा सकते हैं कहाँ बनेगी, और उसके बाद में उन इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर लेंगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। और कॉनकेव मिरर की खासियत यहाँ पर यह होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक होता है उसकी इमेज जो होती है उतनी ही दूर बनती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, इसमें ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, तो अगर इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज बनती है करीब फोकस के ऊपर उसकी। इन्फिनिटी से अगर आप इधर चलने लगते हो तो जो इमेज है वो भी इधर की तरफ चलने लगती है, इस साइड में आने स्टार्ट हो जाती है, और जो आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हो तो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप इधर चला रहे हो, डिस्टेंस कम करते जा रहे हो और इमेज इधर की तरफ आती जा रही है। जो आप सी पे लेके आते हो तो इमेज भी सी पे आती है, और जब और आगे जाते हो तो इमेज फिर इधर इधर होते हुए इन्फिनिटी तक पहुँच जाती है। फिर उसके बाद जब आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हो, सॉरी, जब आप फोकस पे पहुंच जाते हो, तो फोकस पे जब पहुंचते हो तो फिर इमेज इधर वाले इन्फिनिटी पहुंच जाती है, लेकिन जैसे आप फोकस को जस्ट क्रॉस करते हो तो इन्फिनिटी के और उधर तो नहीं जा सकती है, तो अब जो इमेज बनती है वो इस इन्फिनिटी बन जाती है, और आप जब इधर की तरफ और चलने लग जाते हो तो फिर इमेज ऐसे चलने लग जाती है। आप हमेशा देखोगे कि ऑब्जेक्ट को आप ऐसे चला रहे हो तो इमेज जो है उसके अपोजिट चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, दोनों का जो मोशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको हम बाद में वैसे देखने वाले हैं, वेलोसिटीज़ को जो हम स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक 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 यहाँ पे लेकर के आ रहे हो, तो जो इमेज है और दूर यहाँ पे फार 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 होती चली जा रही है, तो जो ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक होगा उसकी इमेज जो है उतनी दूर बनेगी। इसका मतलब है कि जो आप फॉर्मूले से इसकी इमेजेस कैलकुलेट करोगे तो जो यहाँ पर इमेजेस आएंगी इसकी, तो क्योंकि ए यहाँ पे नज़दीक है तो ए की इमेज दूर बनेगी, और बी यहाँ पे क्योंकि थोड़ा दूर है तो उसके नज़दीक बनेगी, तो बी डेस, और यहाँ पे ये यह बनेगा ए डेस, कुछ इस तरह की इसकी इमेज बनेगी। और आप देखोगे कि हमेशा यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एक नेगेटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक इन्वर्जन यहाँ पर आएगा, बी ए और उसके बाद में बी नज़दीक हो जाएगा और ए यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन अगर साइन की बात की जाए तो साइन वाइज इट इज़ नेगेटिव। कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई यू ए माइनस यू बी, या अगर मुझे सिंपली वैल्यूज़ के टर्म्स में यहाँ पर अगर दिख रहा है कि ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 2/4 करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। मुझे ज़्यादा मैथमेटिक्स के टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर डेटाज हमारे पास में अवेलेबल है और ईजिली हमें लेंथ यहाँ पर दिख रही है ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल से भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें
जो ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ही स्मॉल दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लेकर के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ़ लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, अब लेंथ वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मिरर और यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके लेंथ बहुत कम है, तो लेंथ बहुत कम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इसके लिए कोऑर्डिनेट बोलते हो कि इसके लिए कोऑर्डिनेट यू है, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो चेंज आया है बस वो डी यू का आया है, तो यू प्लस डी यू या यू माइनस डी यू इस तरीके का यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है वो जस्ट डी यू टाइप का है, तो डी यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस ए और बी के बीच में अगर काफ़ी कम है तो जो इसकी इमेजेस बनेंगी उनके बीच में भी डिफरेंस बहुत कम होगा। तो उस केस में कैसे अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो डिफरेंशिएट दिस, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई वी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन बाई यू सॉरी माइनस वन बाई वी स्क्वायर डी वी माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू। फोकल लेंथ तो हमेशा वही रहती है तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ज़ीरो। आपको यहाँ पर चाहिए वी का डिफरेंस, तो वी का डिफरेंस दोनों के बीच में डी वी टाइप का होगा, यू का डिफरेंस तो दोनों के बीच में जो यू का डिफरेंस होगा वो डी यू टाइप का होगा, तो यहाँ से आप डी वी अपॉन डी यू ये निकाल सकते हो और ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो डी वी इज साइज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज और डी यू इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो आंसर है वो डायरेक्टली माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर के बराबर है। और वी बाय यू जो होता है वो एक तरीके से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एम स्क्वायर। जब भी हम सिंबल एम यूज़ करेंगे तो इसका हमेशा ही मतलब होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के बराबर यहाँ पे आ रहा है। तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ करोगे जब यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ काफ़ी कम है इसकी यू के कंपैरिजन में। जैसे अगर एक पॉइंट अगर यू डिस्टेंस पर रखा है, जैसे मान लीजिए यू अगर 15 सेंटीमीटर है, अगर ए रखा है 15 सेंटीमीटर पे तो बी 15.1 सेंटीमीटर पे होगा, 15.01 सेंटीमीटर पे होगा, 15.2 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि इसके लेंथ 0.1 0.2 सेंटीमीटर है एज़ कम्पेयर टू 15 वो 0.2 0.1 काफ़ी कम होगा। तो आप इस तरीके के फार्मूलेज का फिर यूज़ कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें सपोज़ ये कॉनकेव मिरर है, इसकी आर ओ सी 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है ए बी, ए के डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल और बी के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मुझे लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है। तो अगर इस तरीके का डेटा है तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ मत करो, डायरेक्टली आप ए की इमेज निकाल लो और बी की इमेज निकाल लो। तो अगर आप ए की इमेज निकालोगे तो ए के लिए यू आपको रखना पड़ेगा माइनस 14, उसके बाद में आप फॉर्मूला यूज़ करो वी इज़ इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ और उससे आप वी ए निकाल लो। तो इसमें फोकल लेंथ को माइनस 10 रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ विल बी माइनस 10, तो उसे जब आप वी ए कैलकुलेट करोगे तो माइनस 35 सेंटीमीटर आएगा। फिर इस तरीके से यू बी, तो बी के लिए जो यू कोऑर्डिनेट होगा माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 15 अगर ये होगा तो उसके लिए जो बी आएगा जो बी वी आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 30। तो यहाँ पर जो ए है क्योंकि नज़दीक है तो इसकी इमेज दूर बन रही है, और बी क्योंकि दूर है तो इसकी इमेज नज़दीक बन रही है यहाँ पे, तो बी की इमेज यहाँ कहीं पे बी डेस और ए की इमेज यहाँ कहीं पे ये हो जाएगा ए डेस। बी की इमेज कितने डिस्टेंस पे आ रही है तो आंसर इज 30, और ए की इमेज कितने डिस्टेंस पे आ रही है तो इसका आंसर है 35 सॉरी ए की इमेज 35 सेंटीमीटर। तो क्लियरली ये देखा जा सकता है कि 35 और 30 इनके बीच का जो गैप है वो 5 है, 5 टाइम्स मैग्नीफाइड है अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइज बात की जाए इसमें, तो 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द इमेज 5 सेंटीमीटर आ रही है इस केस में। इसी में एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि वही रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और ए बी ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ दिस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक जो है 15 सेंटीमीटर पर है और ए बी जो लेंथ है वो लेंथ जस्ट 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर बोलने का मतलब है 0.2 सेंटीमीटर। तो अब के बार यहाँ पर ये एक तरीके से फिट बैठ रहा है फॉर अप्रोक्सीमेशंस, तो इसमें मैं इसके लिए यू एक तरीके से अज्यूम कर लेता हूँ
यू एक ऑन एन एवरेज कोऑर्डिनेट होता है, तो वैसे तो आप मिड पॉइंट का ले सकते हो देने के लिए, लेकिन वो 15.1 हो जाएगा। तो जस्ट मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर 15 अज्यूम कर रहा हूँ यू को। फिर हमारे लिए जो डी यू होगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस हो जाएगा वो 2 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा अगर यू को 15 यहाँ पर ले लेते हैं। अगर 15.1 लेते हैं तो फिर उस केस में डी यू जो होता है वो 0.1 हो जाता है। फिर तो यू इज़ -15, तो यू -15 रख देंगे, फोकल लेंथ -10 रख देंगे और उससे वी निकाल देंगे। तो वी हमने प्रीवियस में भी कैलकुलेट कर रखा है -15 के लिए, तो वी आ जाएगा यहाँ पे -30। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यूज़ करने के बाद में डी वी अपॉन डी यू -30 बाई -15 इसका स्क्वायर, दिस विल बी 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा -4। माइनस बस ये इंडिकेट करता है कि ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो -4 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि 4 टाइम्स। तो डी वी इज़ -4 टाइम्स डी यू। डी यू की जो वैल्यू है, साइज़ जो है इसका वो है 2, तो -4 × 2 दिस विल बी -8 mm। अगर आप इसको पूरी प्रॉपर तरीके से करो तो ए के लिए जो यू है वो 15 हो जाएगा, बी के लिए जो यू है वो 15.2 हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ए के लिए -15 और बी के लिए -15.2 होगा। कैलकुलेट करके अगर आप देखो तो इसमें वी ए ऑब्वियस है कि वही -30 आ जाएगा, और वी भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -29.2। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बनेगा, ये 29.2 भी बनेगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो 0.8 हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ होगी वो 0.8 सेंटीमीटर या फिर 8 मिलीमीटर के बराबर होगी। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर 15.2 जैसा डेटा अगर हमारे पास में है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इजी। तो अब तक मैग्नीफिकेशन के जो हमने फॉर्मूलेस देखे हैं, एक ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एम इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -V/U। -V/U को आप ये भी लिख सकते हो, जैसे V को आप लिखते हो UF/U-F, तो V/U ये नीचे आ जाएगा, तो -F/U-F। तो कई बार ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में भी आ सकता है। M निकालने के लिए आपको V निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपने U और F आपको पता होते हैं तो आपने डायरेक्टली इसी में वैल्यूज को पुट कर दिया और उसके बाद में कैलकुलेट कर लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F/F-U, एक माइनस को यहाँ पर एडजस्ट करते हुए इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज़ फॉर ट्रांसवर्स। जब आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हो तो उसे मैंने बता रखा है कि यहाँ पे इमेजेस और उनका जो कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर इमेज VA-VB और नीचे ऑब्जेक्ट, और हमेशा ये नेगेटिव आता है। लेकिन अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हों, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन DV/DU दिस इज इक्वल टू -V²/U² या फिर -M²। और M जब भी यूज़ होता है वो यहाँ पे लेटरल मैग्नीफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या फिर लेटरल मैग्नीफिकेशन। फार्मूलेज के सीरीज में एक और फार्मूला यहाँ पर है, न्यूटन्स फार्मूला। और न्यूटन्स फार्मूला इज X1 X2 = F². X1 X2 क्या है यहाँ पे, तो X1 इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, X2 इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। तो इसमें एक जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फोकस से और दूसरा है इमेज का डिस्टेंस फोकस से। अब तक डिस्टेंसेज जनरली पोल से मेजर किए जाते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंसेज हैं वो फोकस से मेजर किए जा रहे हैं, और जस्ट ये मैग्नीट्यूड वाइज आपको यहाँ पे पुट कर देना है इसमें। तो X1 X2 डिस्टेंसेज फ्रॉम फोकस जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज। इसको जस्ट इसका एक मैं यहाँ पे प्रूफ भी करने जा रहा हूँ। और ये जो फॉर्मूला इतना बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है प्रॉब्लम्स के हिसाब से, ये तभी काम में आता है जब स्पेसिफिकली फोकस से डिस्टेंसेस के टर्म्स में अगर हमें डेटा दिया जाए या पूछा जाए तब जाके ये काम में आ सकता है, अदरवाइज ये उतना रेयर है यहाँ पर ये फॉर्मूला। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की मैं इमेज फॉर्म कर रहा हूँ, और इमेज फॉर्म करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक रे पैरेलल यहाँ पर भेज देता हूँ। जो पैरेलल रे जाएगी वो ऑब्वियस है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस,
और उसके साथ साथ फिर ऐसा करता हूँ कि एक रे फोकस से गुजरते हुए ड्रॉ करता हूँ, तो जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, तो इट विल बी पैरेलल, और यहाँ कहीं पे इसकी इमेज ऑप्टेन हो रही है, तो इसको मैं ए बी बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ यहाँ पर ए डैस बी डैस। अब जैसे हमें पता होता है कि ये जो पॉइंट है ये पोल के काफ़ी नज़दीक है, हम पैरेक्सल अप्रोक्सीमेशन को लेके चलते हैं हमेशा, तो पैरेक्सल रेज अप्रोक्सीमेशन ये पॉइंट पोल के बहुत ही नज़दीक है, तो जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करूँगा तो इसका फोटो परपेंडिकुलर एक तरीके से पोल पर ही होगा, इसी तरीके से इसके लिए भी जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द पोल, पोल पर ही होगा इसका फोटो परपेंडिकुलर। अब ये फोकस वाला पॉइंट है, तो फोकस से जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें यहाँ पर कंसिडर करना है एक्स वन के इक्वल, फोकस से जो इमेज है इमेज का डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेके चलना है एक्स टू के इक्वल, और ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस एफ के बराबर हो जाएगा पोल से लेकर के फोकस के बीच का। तो आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइट है ये हाइट ए डैस बी डैस के बराबर ही होगी, तो दिस हाइट इज इक्वल टू ए डैस बी डैस, तो मैं ए बी डिवाइड बाय ए डैस बी डैस लिखने जा रहा हूँ इस ट्राइंगल में, ए बी डिवाइड बाय ए डैस बी डैस, क्योंकि मैंने पहले इस ट्राइंगल के लिए लिखा है तो ये डिस्टेंस पहले लिखा जाएगा इसमें, तो एक्स वन और ए डैस बी डैस इस ट्राइंगल में ये एफ हो जाएगा, तो एक्स वन डिवाइड बाई एफ। इसी तरीके से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो अगेन ये ए बी इसकी हाइट ए बी के बराबर है तो इसकी हाइट भी ए बी के बराबर होगी, तो ए बी डिवाइड बाय ए डैस बी डैस इन दोनों ट्राइंगल में, तो ए बी लिखा गया है तो पहले ये डिस्टेंस लिया जाएगा और ये डिस्टेंस फोकस के बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा, उसके बाद में इस ट्राइंगल के लिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स टू हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ए बी बाई ए डैस बी डैस यहाँ से और यहाँ से इक्वल होने चाहिए, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक्स वन बाई एफ दिस इज इक्वल टू एफ बाई एक्स टू, एक्स वन एक्स टू दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर।